भाइयों को सभी को नमस्कार। मेरा नाम जगमोहन सिंह है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड के सिंह। आज का मुझे घर से ही टास्क मिला है कि सब्जी आपको लानी है, तो मैं अब ऑफिस से निकला हूँ और जा रहा हूँ सब्जी मंडी। देखते हैं क्या क्या लिखा है उसमें, व्हाट्सएप पे भेजा है, मेरे को हिचकी भी बहुत आ रही है। और मंडी बल्लभगढ़ की मंडी है और बल्लभगढ़ मंडी के आपको दर्शन कराता हूँ कि कैसी मंडी है। मैं पहुँच गया हूँ बल्लभगढ़ मंडी। आप देखिएगा यहाँ पर जो है फल फ्रूट और उसके साथ मिठाइयाँ भी साथ में मिलती हैं। किराने की दुकानें भी साथ में हैं, किराने की दुकानें और अंदर साइड में यहाँ तो फल फ्रूट और आपका मिठाइयाँ प्लस में अंदर बहुत बड़ी मंडी है, तो मुझे अंदर साइड में जाना है। मेरी स्कूटी में बैग हैं और बैग के अंदर बहुत सारे बैग हैं, कम से कम दो बैग हमेशा लेके चलता हूँ पर्यावरण को सही रखने के लिए। एक बैग तो ये निकाल लिया क्योंकि हमें कोशिश करनी चाहिए पॉलीथिन बैन है या जो भी है, नहीं है पॉलीथिन मिलती है थोड़ी बहुत, कहीं कहीं कोई दुकान वाले दे देते हैं, पर फिर भी ये एक बैग और ये दो बैग, उसके बाद भी ये एक लंच बॉक्स और एक मेरा पेपर वर्क का बॉक्स बैग, ये सब साथ होता है। अब मैं इनको तो यहाँ लॉक कर दूंगा, पर ये दो बैग लेके अपने साथ जाऊंगा मंडी में। ये भाई से करेला लिया, सीताफल भी लूंगा, अभी आ रहा हूँ, अभी रुकिए आके लूंगा वापसी में। और पाजी क्या हाल है? नमस्कार जी, नमस्कार यार, धड़ी दे दो आलू बड़े देना अच्छे वाले यार, हैं 5 किलो आज के देना अच्छे से निकाल के ना, साथ छाट छाट के बढ़िया। हाँ ये वीडियो तो बना रहा हूँ, ये हमारी खास दुकानें हैं जहाँ से हम सब्जियाँ लेते हैं, प्याज अच्छी क्वालिटी के, नींबू, मिर्च, आलू। और वो भाई साहब उधर बैठे हैं, वो भी अपने खास हैं। आधी थड़ी प्याज भी दे दो बढ़िया निकाल के, 2.5 किलो। छांट के निकालो, थोड़ा छांट के छांट के। आज के टाइम में गोभी ढूंढनी पड़ेगी मुझे लग रहा है, खीरा तो बहुत अच्छा है यहाँ। खीरा बहुत साफ सुथरा खीरा है, देसी भी है और वैसा भी है। आज मैं आया हूँ बल्लभगढ़ अपनी मंडी। मटर भी अभी हरी मटर मिल रही है बढ़िया। लगा रहा हूँ पूरी मंडी की वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी मंडी है हमारे यहाँ बल्लभगढ़ में, और ये सभी भाई मेरे को जानते हैं अच्छे से। अक्सर सब्जियां तो मैं ही लाता हूँ, पर कभी कभी और पाजी क्या हाल है? खीरा 15 रुपए, खीरा 15 रुपए।
बहुत बड़ी मंडी है। पूरी तो दिखा नहीं पाऊंगा पर इतनी दिखा पाऊंगा कि जितना मैं सब्जी ले रहा हूँ। यहाँ से टमाटर ले लिए जाए, क्या ले पाजी? यहाँ पर टिंडा बढ़िया अच्छा मिल रहा है तो टिंडा भी ले लिया जाए। हाँ, 1 किलो टिंडा कर दो। ये भाई की दुकान से मैंने हमेशा ही लेता रहता हूँ। हाँ, ये देखो व्यूअर्स को हाई भी कह रहा है। देखो हमारे यहाँ मटर अभी भी हरी है और मैं आपको वीडियो डालूंगा कि मई में मैं बाहर निकला था तो कोहरा पड़ा हुआ था, इसकी वीडियो मैं जरूर डालूंगा, आप देखिएगा। हाँ सरदार जी, ये देखो यहाँ बैल भी घूम रहे। और क्या हाल है पाजी? चंगा। ये भाई है बहुत बढ़िया हमारा, हमेशा मैं सब्जियां लेते रहता हूँ तो सब जानते हैं। ओके, आना पड़ता है भाइयों के साथ। क्या हाल है पाजी? बढ़िया बढ़िया, तकरीबन तकरीबन आता ही रहता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी सब्जी मिलती है हमारे यहाँ पर, बहुत अच्छी अच्छी सब्जी मिलती है, फ्रेश सब्जियाँ मिलती है और रिजनेबल रेट। ये बहुत अच्छी बात है कि मैं कई सालों से आ रहा हूँ और कई साल से मैं यहाँ से सब्जियाँ लेता हूँ ऑफिस से जाते वक्त वापस, क्योंकि रास्ते में मेरा पहला पड़ाव बल्लभगढ़ पड़ता है ऑफिस के बाद। बढ़िया फ्रेश मिर्च, नींबू, कई तरह की मिर्चें और बहुत अच्छा सामान भाई। सब्जियां तो यहाँ बल्लभगढ़ में बहुत अच्छी मिलती है। क्या हाल है? यहाँ से भी मिर्ची ली है। बल्लभगढ़ मंडी से सब कुछ मिल गया है पर एक धनिया नहीं मिल पाया है और हो सकता है उसके पीछे कहानी सुननी पड़े। और ये मेरे दोनों बैग फुल हो गए हैं, ऑलरेडी सब कुछ ले लिया है। अब निकलते हैं घर की तरफ, रास्ते में भी ढूंढेंगे कि धनिया कहीं मिल जाए। शायद आगे भी एक छोटी मंडी पड़ती है कॉलोनी की, पर वो उसमें मिलेगा, जब इतनी बड़ी मंडी में नहीं है धनिया तो आगे पता नहीं क्या होगा। ये ना करेगा तो फॉर्मल। भाई लोगों, आखिरकार धनिया मिल ही गया है। आजकल मंडी में धनिया नहीं है, मेरा तो टास्क पूरा हो गया। सब्जियां मैंने पूरी ले ली हैं जो बोली गई थी कि आप इसी तरह मेहनत करते हैं